हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल योर न्यू डार्क सन में। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए यह वीडियो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि महिलाओं के लिए आ गई हैं बम्पर भर्ती और यहाँ पर पद जो हैं वो 31,000 हैं। और अगर योग्यता की बात की जाए तो 8वीं और 10वीं पास अगर महिलाएँ हैं तो कर सकती हैं आवेदन। वेतन यहाँ पर आपको 18,000 से भी अधिक रुपए मिल सकता है प्रतिमा। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा कि कब से आवेदन होने वाले हैं, कहाँ पर आपको आवेदन करना है, कैसे करना है, सब चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले वीडियो को लाइक बनता है, वीडियो पहले लाइक करिए, जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करिए और वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा तभी पूरी अपडेट समझ पाएंगे। वीडियो लाइक सबसे पहले करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहीं पर आपको मिलते हैं सबसे लेटेस्ट जॉब के नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो चलिए मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू कर लेता हूं। साथियों, जैसा कि आप यहां स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 31,000 पदों पर भर्तियां जल्द, ठीक है, ये है इसकी टैगलाइन। और ये है सोवित श्रीवास्तव लखनऊ, यानी कि उत्तर प्रदेश में आ रही हैं 31,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्तियां। मैं आपको इसको पहले पढ़ के बता देता हूँ, फिर आपको डिटेल बताता हूँ। प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के करीब 31,000 रिक्त पदों पर भर्तियां करने जा रही है। ये भर्तियां 10 साल बाद होने जा रही हैं। इसमें जिलेवार डीएम की अध्यक्षता में समिति आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का चयन करेंगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी इनके नियुक्ति अधिकारी होंगे। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के निदेशक ने सरकार के पास रिक्त पदों पर भर्ती का विस्तृत प्रस्ताव भेज दिया है। सरकार ने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। यहाँ पर साथियों आप देख पा रहे हैं, खुशखबरी है कि आपके लिए यहाँ पर हरी झंडी मिल चुकी है। शीघ्र ही इसके विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इससे पहले वर्ष 2008-09 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्तियाँ हुई थी, तब से कई बार नियुक्तियों की कोशिश हुई लेकिन कानूनी दांव पेच के मामले में उलझ कर रह गया, लेकिन इस बार आपको जरूर नौकरी मिलेगी। दरअसल पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति का अधिकार बाल विकास परियोजना अधिकारियों के पास था, लेकिन बाद में सरकार ने इसमें संशोधन कर जिला कार्यक्रम अधिकारियों को यह अधिकार दे दिया। इसी मामले को लेकर CDPO संघ ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में लड़ी। पिछले दिनों हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में यह बात साफ हो गई है कि नियुक्ति लेकर कोई शासनादेश नहीं है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार भी अब नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने जा रही है। जल्दी सरकार इसकी घोषणा करेगी। इसमें नियुक्ति मेरिट के आधार पर होने वाली साथियों, यानी कि आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, कोई परीक्षा नहीं देना है, केवल आपकी हाई स्कूल की जो मेरिट है, 8वीं की जो मेरिट है, उसके अनुसार यहां पर सिलेक्शन होने वाला है। इस पद के लिए न्यूनतम जो शैक्षिक योग्यता है वो हाई स्कूल रखी गई है। सरकार इन भर्तियों में आरक्षण भी लागू करेगी, यानी कि अगर आप OBC SC ST हैं तो यहां पर आपको आरक्षण भी मिलने वाला है। तो अगर आप हाई स्कूल पास हैं और आपके नंबर भी अच्छे हैं तो आपको मिलने वाली है जल्द सरकारी यहां पर नौकरी और अच्छी सैलरी मिलने वाली है। तो जल्द से जल्द आप तैयारी बना लें, जैसे ही विज्ञापन जारी होगा इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन दिया जाएगा। उसके लिए आपको करना है छोटा सा वर्क, बिल्कुल फ्री, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि विज्ञापन जारी होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि यहीं पर मिलेंगे सरकारी नौकरियों के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद।